भैया और अदिति पारिक जी की शेयरिंग रहेगी। तो आज से दो शेयरिंग है, तो हम 15 to 20 मिनट्स में अपनी शेयरिंग रखेंगे और अगले 10-15 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर और दीदी के फीडबैक के लिए रहेंगे। तो हम कौशल भैया की शेयरिंग से शुरू करते हैं। कौशल भैया को मैं माइक प्रोवाइड कर देती हूँ। कौशल किशोर भैया आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ दीदी। जी नमस्ते नमस्ते देखिए, सभी को। मेरी आवाज ठीक से आ रही? हाँ जी भैया, आपकी आवाज ठीक से आ रही है। मैं आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन रख देती हूँ, उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए। तो कौशल किशोर भैया इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है। भैया ने पहला UHP का वर्कशॉप जुलाई 2021 में किया था और भैया भागीदारी भी कर रहे हैं मॉडरेशन एंड प्रिपेयरिंग समरी ऑफ वीकली मीटिंग कंडक्टेड फॉर टीचर वॉलंटियर्स। तो भैया मास्टर ट्रेनर है मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान में। तो भैया आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दीदी। नमस्ते नमस्ते सभी को। मेरा नाम, जैसा बताया, कौशल किशोर भूटालिया है और एयरफोर्स में मैंने 1975 से 1996 तक सर्विस की है और स्वेच्छा से 96 में मैंने एज ए जूनियर वारंट ऑफिसर नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, फिर एक कॉलेज में भी एज ए डायरेक्टर रहा हूँ 1 साल तक। इस तरह मेरा सर्विस रही है। मेरा राजानंद संस्थान के साथ भी जुड़ना हुआ है बीच में, तो वहाँ पर भी वॉलेंटियर के रूप में जितनी भी उनकी गतिविधियाँ होती थी वो 2016-17 से मैं उसमें भाग लेता रहा हूँ। उसी बीच में ये UHV का कंटेंट के साथ 2021 जुलाई से ऑनलाइन सत्र से शुरुआत हुई। सभी जो मास्टर ट्रेनर्स थे वहाँ उनको ये कंटेंट्स के साथ कोर्स कराया गया ऑनलाइन, तो उसमें मैंने भाग लिया और तभी से मैं 2021 जुलाई के बाद जो सितंबर में सत्र शुरू हुआ था मॉर्निंग सेशन, तब से मैं जुड़ा हूँ। और मॉर्निंग में मैं कोशिश तो दोनों सत्रों को ज्वाइन करने की करता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ और हिंदी में भी सुनता हूँ। और बहुत सारी और सी और गतिविधियाँ जो भी हो रही हैं मध्य प्रदेश में, स्कूल एजुकेशन में जो काम हो रहा है उसमें मेरी सहभागिता रहती है। पिछले 2 सालों से हम शिक्षकों को ट्रेन कर रहे हैं, उसमें मेरी भानु भैया, वंचना दीदी, मोहित भैया, वो सब लोग, पूरी टीम आई आती रही है और उन शिक्षकों को ट्रेनिंग में मेरी भी सहभागिता रही है। बीच में UHV 2, UHV 3, गोपाल भैया को सुनना, श्याम भैया की भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सुनना, वो पिछले साल तो पूरा इसी में गया है। मैं ये इस पे ज़्यादा काम करता रहा हूँ और इसके साथ साथ ये मॉर्निंग सेशंस है, इसने हर एक सेशंस को मैं जुड़ा हूँ और हर एक में कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिला है, नई समझ बढ़ी है, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। तो अगर हम स्टेप्स को देखें, अभ्यास 1 और 2 को, तो अभ्यास 1 में जो पहला स्टेप है वो इस जो 11वां जो बैच मैंने ज्वाइन किया है, तो सच में कहूँ तो अभी मुझे ये एहसास हुआ है स्टेप 1 का, कि जो इसमें जब सजगता बढ़ी है तो बाकी स्टेप अपने आप होने लगे हैं। शुरू में एक्चुअली क्या होता था कि जोर दे करके ध्यान देना पड़ता है कि अवेयर रहना है, अवेयर रहना है, ऐसा करके, तो अपने को वो निर्देश टाइप देता था, पर उतना आराम में नहीं होता था। इसमें रिएक्शन होता था कि ध्यान रखना है और अभी नहीं ध्यान रख पा रहा हूँ, अभी मैं स्लिप हो गया हूँ, इस तरह। लेकिन इस सेशंस में मैं देख पा रहा हूँ 11वें जो बैच में, कि ये अब थोड़ा सहज होने लगा है। मतलब जो अभी शर्मिला दीदी बार बार कहती थी बस सजग रहना है, सजग रहना, लेकिन एक्चुअल सजग रहने का वो मतलब नहीं समझ में आ रहा था।
क्योंकि वो खुद दिख नहीं पा रहा था। तो अब जब अब ये सहज ही होने लगा है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ जोर या कुछ डालने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जब हम ये यहाँ थोड़ा जो मेरे में कंफ्यूजन होता था, ध्यान देना है और अवेयर होना है, इन दो का जो फर्क था वही दिक्कत दे रहा था। अवेयर होना सिंपली अवेयर होना है, बस देखना है। तो वो देखने का काम इस बार थोड़ा ज्यादा बेहतर होने लगा है। बाकी शेयरिंग में भी मैं कहा हूं कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन इस बैच के बाद बिल्कुल ये देखने लगा, अवेयर रह रहा हूँ। अवेयर रहने का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी बढ़ गई है। और जब अपने विचार, भाव, संस्कार, वो भी अब सहज ही देख पा रहा हूं, कि उसमें ये नहीं कि अभी भाव को देख रहा हूं, अभी विचार को देख रहा हूं, अभी संस्कार को देख रहा हूं, वो एक अपने आप सीक्वेंस में अपने आप ही होने लगा है। तो ये मुझे खास उपलब्धि हुई है इस 11वें बैच से। बाकी दो और तीन स्टेप में जो अपना मूल्यांकन भी, जब ये पहला स्टेप जब तक नहीं हुआ था, तब तक ये जो स्टेप है अपना स्वयं जो मूल्यांकन के, वो भी उतने नहीं हो पा रहे थे। तो इसके कारण ये जो पहला स्टेप जब क्लियर हो गया है, अवेयरनेस सहज ही होने लगी है, तो फिर ये जो अपना मूल्यांकन भी होने लगा है। और फिर स्टेप 5 में जो निर्णय का आधार है, मान्यता है या सही समझ है, वो भी आसान हो गया है। ऐसा नहीं कि हरदम सही समझ से ही मैं रह रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ। हाँ, मान्यताएं बीच बीच में आ रही हैं, लेकिन वो ज्यादा उनका पता चल जा रहा है कि हाँ, अभी हमारा जो जो निर्णय है वो इसका आधार बदल गया है। और स्टेप 6 को देखें तो वो सहज स्वीकार, जो संबंध व्यवस्था और सहजता का भाव है, ये भी दिखने लगा है। ये नहीं कि हर समय ये रहता है, हाँ ये कह सकता हूँ कि हाँ वो अभी दिखने लगा है। तो और स्टेप 7 में, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेप है, तो जब जब वो भी ये समझ में आने लगेगा, जब भी हम संबंध व्यवस्था और सहजता के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर पाता हूँ तो सुखी रहता हूँ। और इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ी, मीन्स ज्यादातर समय में संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को के अर्थ में रह रहा हूं, और सुख का जो पीरियड है, सुखी होने का पीरियड है, वो बढ़ गया है। उसमें ज्यादा अभी उलझन या ज्यादा कुछ तनाव या कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल सहज हो गया है सारा कुछ। और अगर हम स्टेप 2 की बात करें, अभ्यास 2 की बात करें, तो अभ्यास 2 का जो बेस है, अभ्यास 1 और 2 में पहला जो स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि मैं और शरीर दो अलग-अलग वास्तविकताएं हैं, इसका एहसास हो जाना, ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, जो कि कुछ हद तक होने लगी है मुझे। क्योंकि जो अभी तक अभ्यास था शरीर मान के जीना, वो बीच में बहुत बार स्लिप होते थे, उधर चले जाते थे, लेकिन हाँ अब मैं कह सकता हूँ कि ये वास्तविकता दिखने लगी है, काफी हद तक दिखने लगी है, जिससे जो बाकी चीजें थी शरीर के बीच के, जो संवेदनाओं का आदान प्रदान, वो भी दिखने लगा है। और जो सूचनाएं हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें भी फर्क आया है। तो अब संवेदना से अलग हूं, हाँ ये भी, ये कभी कभी जब संवेदना में कोई, शरीर में संवेदना मिलती थी या उठती थी, या बाहर से कोई ऐसी बात आ जाती थी, तो उसमें जो बहने वाला काम होता था कि मैं संवेदना नहीं हूं, मैं उससे अलग हूँ, ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। और सबसे बड़ा जो फायदा हमें स्टेप 5 में हुआ है, संवेदनाओं को जो अर्थ देना था वह मुझे ज्यादा परेशान करता था। सूचनाएं जिनको बिना जाने मान लेता था, जैसे शरीर में कोई दर्द वाली समस्या है, या बाहर से कोई सूचना आई है, बाहर से कोई इंफॉर्मेशन जैसे मिलती थी कि जैसे
किसी का के साथ दुर्घटना हो जाना या इवन मृत्यु हो जाना, तो उसको बहुत दूसरे तरह से लेता था। कभी कभी तो अपने साथ जोड़ के उसको परेशान होता था। तो वो अभी समझ में आने लगा है कि अर्थ में किस आधार पर दे रहा हूँ, अपने संस्कार के आधार पर दे रहा हूँ। और इसका काफी जो है अभी इसमें सुधार हुआ है। और शरीर और मैं, ये दो अलग-अलग वास्तविकताएं हैं, और इसको मैं अलग-अलग देख पा रहा हूँ। और दोनों के लिए शरीर का जो पोषण संरक्षण और यूटिलाइजेशन है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, यह भी देख पा रहा हूँ। स्टेप सिक्स में संस्कार को देखने लगा हूं कि उसका आधार क्या है। जब भी ये जो है मान्यता पर आधारित होते हैं, तो मैं प्रतिक्रिया करता हूं, और जब सही समझ पर आधारित होते हैं तो वो प्रतिक्रिया नहीं होती है। और फिर अगर सेवेंथ को देखें कि मेरा शरीर का होना शून्य के सह अस्तित्व में है, हाँ, इसमें भी अब सुधार हो गया है। तो ये कभी कभी दिखने लगा है, ये पहले तो बिल्कुल ही इसमें ज्यादा सुधार नहीं था, कि वो मानना नहीं पा रहा था कि वो ऐसा है। लेकिन हाँ, अब ये शून्य को भी देख पाता हूँ, सहस्तित्व को देख पा रहा हूँ, और जो भी सारी जो यूनिट्स हैं, सारी इकाइयां हैं, वो भी शून्य में है, ये होने लगा है। हाँ, ये नहीं कि वो हरदम होता रहता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, होने लगा है। और इसकी भी मतलब एक निर्णय सा बन गया है कि हाँ, ये है, इसको मैं स्वीकार कर पाया हूँ, इसको स्वीकारने लगा हूँ। और अगर हम देखें कि सुख मेरा स्वभाव है, यह अब काफी काफी समय तक रहने लगा है। ये नहीं कि हरदम रहता है, और ज्यादातर समय में जो है समझ को बढ़ाने में लगा रहा हूं। जैसे कि इस कार्यक्रम से जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें मैं जुड़ा हूं, तो जब से मैं इसमें सहभागिता करने लगा हूं, तब से ये गति और बढ़ गई है। और इसमें शरीर के लिए मैं एक बहुत ही सेल्फ रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल है, और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन हूँ। बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज की मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है, और ना मैं यूज करता हूँ। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी करता हूँ, प्राणायाम ध्यान भी करता हूँ, वो सब करता हूँ। और खान पान वगैरह, आहार विहार, वो सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उस तरफ ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो एक नियमित दिनचर्या के तहत होता जा रहा है, और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। और दूसरा, ये स्वयं के लिए जो काम करना है उसको मैं समय दे रहा हूँ, काफी समय दे रहा हूँ। तो और जो कमिटमेंट वाली बात है, तो कमिटमेंट अभी काफी समय दे रहा हूँ। जैसे कि पिछले साल भी 23 में करीब करीब 600-700 शिक्षकों का जो ट्रेनिंग हुआ था, उसमें मैं 15 दिन भानु भैया और ये पूरी टीम के साथ में उसमें सहभागिता किया था। दूसरी बार 24 में भी इसी तरह मैंने 15 दिन वहां लगाए थे। रिफ्रेशर जो 8 दिन का हुआ था उसको भी किया था। तो इस तरह वो चलता जा रहा है। और स्कूल्स में जो डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं जिनमें ये कोर्स चल रहा है, उनको विजिट करना, उनकी जो भी कंटेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उसको उसमें भागीदारी करना, वो फिर दो मीटिंग्स होती हैं बुधवार को, हमारे जो रिफ्रेशर किए हुए हैं उनको, उनकी समझ बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको करते रहते हैं, उसके साथ भी जुड़े रहते हैं। तो इस तरह ये है कि मेरा जो समय का विभाजन है वो परिवार के साथ उतने ज्यादा कमिटमेंट्स
से नहीं है, डेटा सेटल्ड है और ग्वालियर में ही है, तो वैसी दिक्कत नहीं है, अतः मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पा रहा हूँ, और जिसमें सहभागिता मेरी अब ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण स्वयं को मैं भी उससे फर्क पड़ने लगा है। मुझे ये तो निर्णय बना है कि यह एक काम करने लायक काम है और मैं एक इसको कर रहा हूँ, और जितना भी समय मिल रहा है मैं पूरा दे रहा हूँ इसके लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही शेयर करना था। नमस्ते नमस्ते सभी को। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, प्रश्न रखना चाहता है, तो स्वागत है उसका। नमस्ते नमस्ते सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल भैया। बहुत ही टाइम को देखते हुए आपने सारी अपनी शेयरिंग को रखा है, और हर स्टेप में अपनी कितनी समझ बनी है उसको भी आपने एक्सप्लेन किया। अभी बाकी साथियों से निवेदन है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ये हमारे पास 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, हम अगर कोई भी बात रखना चाहते, भैया से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते रख सकते। तो पहले फिर हम ठीक है, फिर दीपक भैया का हैंड रेस हुआ है। जी दीपक भैया, नमस्ते। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। भैया से मेरा मतलब बस एक सवाल है। काफ़ी अच्छा शेयरिंग था। सवाल ये है कि जो इतना मतलब जब समझ आ गया है और इतना इवोल्यूशन मतलब अवेयरनेस के साथ अब हर चीज़ को, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अभ्यास वन में ही सारा चीज़ समाहित है ना, खुद में खुद को देखना। तो इस स्थिति में मतलब अब क्या लगता है, मतलब सब कुछ समझ में, हर चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो फिर ये ओ मतलब इसको और फिर कहाँ पे इवोल्यूशन को देख रहे हैं कि हाँ मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं भैया? हाँ हाँ कुछ हद तक मैं समझ पाया हूँ। जी। आपका मतलब ये है कि जब इतना सब कुछ हो गया है, इतना सब समझ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूर्णता आ गई है या पूर्ण हो गया है। हाँ, इसमें ये है कि वो स्थिति रहने लगी है, लेकिन कंटिन्यू रहने लगी है ऐसा तो नहीं है। हाँ, अच्छा। ये है कि काफी हद तक जो आराम में आ गया हूँ इसके कारण, ये हाँ नहीं है, उथल फुथल नहीं रहती है। हाँ, ये वो जो पुराने संस्कार हैं वो बीच बीच में आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। हाँ, बीच बीच में आते हैं, लेकिन अपने जो आराम की स्थिति है उसकी निरंतरता बढ़ गई है, मतलब ये कहने का है मेरा। जी भैया, नहीं एक्चुअली जो परंपराओं में मैंने सुना है, जैसे हर बीज में ताकत है पेड़ बनने का, तो जो एनलाइटेन सोल बोलते हैं है ना, एनलाइटमेंट मिल जाने के बाद उसको वो हर चीज, कभी वो फिर उतार चढ़ाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जो एनलाइटेन, जो जितने भी स्पिरिचुअल लीडर बोलिए है ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि वो चीज अचीव हो गया, कि हर चीज को आप बराबर से देख पा रहे हैं, और ऐसा होता है क्या? एनलाइटमेंट वर्ड जो यूज किया जाता है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उस स्थिति में तो मैं नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं हाँ उसमें बहुत ही आसानी हो गई है, और कोई उथल पुथल उतावलापन वैसा नहीं है। जी बहुत ही सहज रूप से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इतना ही मैं कह पाऊंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि वो इनलाइटमेंट हो गया है या मैं बहुत ही उस स्थिति में पहुंच गया हूँ, ऐसा नहीं जी है। भैया, हाँ, सबके साथ एक बहुत ही सहजता से जीवन हो गया है, जीना हो गया है, ये कह रहा हूँ। जी भैया जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। जी धन्यवाद दीपक भाई। अभी मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी कौशल भैया की शेयरिंग के बारे में अपने फीडबैक को रखें। जी नमस्ते कौशल जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। हर बार मैं आपकी शेयरिंग सुनती हूँ तो मुझे वही ध्यान आता है कि आप
इतना सब कर पा रहे हैं। आप सबको अपनी एज बताएंगे थोड़ा, आपकी उम्र? हाँ, मैं 70 में रन कर रहा हूँ, 69 पूरा हो गया है। तो हम सब देख ही सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि आज इंग्लिश की शेयरिंग में भी इला जी की शेयरिंग थी, और अभी हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे एज एडवांस होती है, ऐसा नहीं है कि हमारा रोल घट जाता है सोसाइटी में। इनफैक्ट जैसे जैसे हमें ये दिखता है कि ये महत्वपूर्ण काम है, तो हम किसी भी उम्र में हो ये काम को हम कर सकते हैं। और जैसे कि कौशल जी की शेयरिंग से मालूम पड़ा, बहुत स्थिरता के साथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में वो लगे हैं, और अपने में काम करते हुए बाहर भागीदारी भी बहुत अच्छे से अपनी कर पा रहे हैं, और ये हम में से हर कोई कर सकता है। ये जो पॉसिबिलिटी है, शुरुआत में लगता हो कि हम अपने में ही काम करते रहेंगे तो बाहर कैसे होगा, या बाहर समय देंगे तो अंदर का छूट जाएगा, बट सही मायने में देखें तो ऐसा नहीं है। जितना जितना हम सही मायने में अपने अंदर देखने का काम करते हैं, ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, उतना उतना हमारा जो समय इधर उधर जाता था, अपने विचारों में खो जाना होता था या विचारों में उलझ जाना होता था, वो सब कम हो जाता है, और बाहर जो करने का काम है वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखता है। जैसे कौशल जी ने कहा कि बाहर भी काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, एक सहज ढंग से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही अपने अंदर सहज हो गए, हम ही अपने अंदर आराम में आ गए, तो फिर एक्चुअली प्रॉब्लम बाहर तो था नहीं, प्रॉब्लम तो हमारे अंदर का था, क्योंकि हमारा सुख या दुख बाहर पर निर्भर नहीं है, हमारे अंदर निर्भर है, हमें निर्भर है। तो जब वो बात क्लियर हो गई और हमने अपने अंदर की स्थिति को ठीक कर लिया, तो फिर बाहर के जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम क्रिएटिवली उनका सल्यूशन देख पाते हैं और उस काम में आगे बढ़ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रही कौशल जी की शेयरिंग, और आप ऐसे ही अपना योगदान करते रहें, अपनी भागीदारी निभाते रहें। आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी शुभकामना। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। नमस्ते। दीपक जी के प्रश्न पे मैं थोड़े सा बात रखना चाह रही थी कि अभी हमें लगता हो कि एनलाइटनमेंट कोई बहुत बड़ा शब्द है, और ये कहीं कोई कर पाते हैं, तो वो सही है कि जब तक हमारा उस तरफ प्रयास नहीं बनता या जब तक हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता या हमें उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो हो सकता है कि हम उस तरफ ध्यान ही ना दे पाए, और ऐसे में लगेगा कि ये कुछ बहुत बड़ी अलग बात हो रही है। लेकिन देखें तो एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? अनुभव, रियलाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब कि जो ऑलरेडी है उसको हमने रियलाइज किया, उसको अपने अंदर अनुभव किया, तो अपने अंदर ये क्षमता हर किसी में है ही कि हम चीजें जैसी हैं उनको देख पाएं। बट ये जरूर हो सकता है कि अलग-अलग लोगों को अलग-अलग समय लगे, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कई लोगों को कम समय लगे, कई लोगों को ज्यादा समय लगे, बट इससे हमें निराश होने की या ना हताश होने की जरूरत नहीं है।
हर किसी की लंबी यात्रा है, सेल्फ की एक कंटिन्यूअस जर्नी है। कोई किसी जगह पर है, कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, लेकिन जाना सबने वही है। हर किसी ने वो देखना ही है, चीजें करनी है। तो स्थूल से सूक्ष्म, पहले ध्यान बाहर था, ध्यान अंदर लाए, स्थूल क्रियाओं पर ध्यान गया और धीरे धीरे जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उनकी तरफ ध्यान जा रहा है। अल्टीमेटली जो सूक्ष्मतम है, जो अनुभव की क्रिया है, वहां से हम बने रहते हुए वहां से देखेंगे तो जो सबसे सूक्ष्म रियलिटी है, स्पेस या शून्य, उसको भी हम देख पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा। तो हम उसको करते रहे उस काम को, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्रयास बढ़ेगा, हमारा एफर्ट उसमें लगेगा, तो हम भी अपने में और आराम की स्थिति को देख पाएंगे। और जैसा कि कौशल जी बता रहे थे, एक बहुत ही सहज ढंग से ये काम होता चला जाएगा। इसमें रिएक्ट करने की या जबरदस्ती खींचातानी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। थैंक यू दीदी. एक छोटा सा इसी में, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं, और ऐसा कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि वो क्या एनलाइटमेंट या होता है, क्योंकि अभी सबसे जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको कितना हार्मोनी में मतलब जी पा रहा हूँ, ये मैटर करता है और बहुत अच्छा लगता है. बट बस एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, XYZ, तो उन वो शरीर छोड़ने के बाद भी उनके विचारों में, चाहे वो नागराज जी हो, चाहे वो प्रभुपाद हो, ओशो हो, या XYZ है, तो वो क्या वाकई में एक मतलब जो बोलते हैं पुराना कोई ईश्वर जन्म के, आखिर वो दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, वो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था. मेरा कोई ख्वाहिश क्या ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रेजेंट मोमेंट तो मैं बहुत हारमोनी के साथ जी रहा हूँ, चाहे सिचुएशन कुछ भी प्लस माइनस हो. ये मेरे मन में क्वेश्चन आया कि वो क्या था, मतलब वो सही में पिछला जन्म या कोई जो बोलते हैं ईश्वर का ही रूप है, ये दिमाग में क्लियर नहीं इसको हो. हम बाहर सेशन के बाहर भी बात कर सकते हैं। जी एक्चुअली जी समय हो गया है और एक शेयरिंग भी है हाँ जी अभी। दीदी, आराम से. हाँ ठीक 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 सॉरी दीदी, थैंक यू. तो हम दीदी अगली शेयरिंग को शुरू कर लें। जी जी बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट शेयरिंग अदिति पारिक जी की है। अदिति पारिक जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे? जी दीदी नमस्ते. हाँ नमस्ते, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। मैं आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देती हूँ, आप अपनी शेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अदिति पारिक जी इंटर्नशिप कर रही है नेचुरोपैथी, पतंजलि नेचुरोपैथी सेंटर में, और दीदी जुड़ी हैं जुलाई 23 से, UHV से जुड़ी हैं। तो आपको मैं इनवाइट करती हूँ, आप अपनी शेयरिंग को रख सकते हैं। एक्चुअली मेरा नाम अदिति है, और जैसा दीदी ने बताया अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है. डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी और योगा थेरेपी कोर्स किया है, उसकी इंटर्नशिप चल रही है. और हाँ, मैं UHV से 2023 या 2022 एंडिंग में जुड़ी थी शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैं ये जो कंटेंट है इससे काफी पहले से जुड़ी हुई हूँ. 3 साल पहले से, 2021 से मैं जुड़ी थी. तो वो मैं बताना भूल गई थी वो दीदी को. हाँ, तो मैं कंटेंट से काफी पहले से जुड़ी हूँ, पर ये जो फॉर्मेट है UHV का, अभ्यास का, इससे मैं अभी जुड़ी थी थोड़े टाइम पहले. जो पिछला बैच था उसमें मैंने कुछ सेशंस, मॉर्निंग सेशंस अटेंड भी किए थे, पर उतना रेगुलरली मैंने अटेंड नहीं किए थे सेशंस. तो यही मेरा इंट्रोडक्शन था. और दीदी कितना टाइम होगा हमारे पास, एक बार आप बता देंगे तो. हाँ, आप 15 मिनट्स ले सकते हैं, हो जाएगा इसमें। जी जी
तो अभ्यास एक जो है उसमें मुझे अभ्यास एक में जब हम मैंने मैंने ये चीज नोटिस की टाइम के साथ साथ, पहले मैं आकलन ज्यादा करती थी, जैसे मैं अपने विचारों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ पर उससे पहले ही आकलन हो जाता था कि ये गलत है, ये ऐसा विचार तो जो हमारी मान्यता होती है सोसाइटी के द्वारा जो मतलब शुरू से हमें मिली होती है, वो मान्यता जल्दी अप्लाई हो जाती थी कि ये विचार तो सही नहीं है, और उसी में ही ऑटोमेटिकली करेक्शन होके और वो सही आ जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रैक्टिस काम कर रही है, पर धीरे धीरे मुझे टाइम के साथ समझ में आया कि उसको ऑब्जर्व करना है सिर्फ। अच्छा, वो उस टाइम के लिए तो वो विचार सही हो जाता था क्योंकि मैं मान्यता से उसको करेक्ट कर लेती थी, तुरंत आकलन करके तुरंत करेक्शन कर लेती थी, है ना। धीरे धीरे जब वो ऑब्जर्व होने लगा, जब संस्कार बाहर आने लगे, तभी मुझे समझ में आया कि आकलन पहले हो रहा है। तो जो स्टेप अभ्यास वन का जो स्टेप वन है वो तो अभी भी वैसे नहीं हो पा रहा है, पर वो धीरे धीरे आने में काफी टाइम लग गया। और जैसे ही वो आया, फिर ये समझ में आया कि जैसे ही उसको ऑब्जर्व करते, जैसे सर गणेश सर ये एग्जाम्पल देते कि अगर आपको पता चले कि आपके झोले में सांप बिच्छू है तो आप उसको पकड़ के नहीं बैठते, तुरंत बैग वो फेंक देते हो। तो वैसे ही होता है कि जैसे ही मैं वो विरोध का विचार आया, मुझे पता चला, तुरंत वो मुझे आकलन करने की भी एक बार के लिए जरूरत नहीं पड़ती, सेकंड स्टेप पे जाने की भी, वो फर्स्ट स्टेप में ही थोड़ा थोड़ा रिजॉल्व होता हुआ उस टाइम पे मुझे दिखता है विचारों में, वो विरोध जाता है। मतलब कभी ऐसे भी होता है कि विद्या के लोगों के लिए भी मतलब विरोध तो एक्चुअली हर क्षण में ही आता है, मुझे प्रतिक्रिया हो जाती है। तो विद्या में भी बैठे कोई मेरी बात काट देता है तो हल्का सा विरोध आया, तो मैं उस टाइम पे आंखें बंद करके ऑब्जर्व कर रही हूँ धीरे धीरे। तो पहले तो ऐसा ऐसा होता था, पहले मैं सुन नहीं पा रही हूँ, धीरे धीरे जब मैं अपने को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो उसके प्रति विरोध जा रहा है, वो ऑटोमेटिक ही जा रहा है। जैसे ही मैं उसको बस एक्सेप्ट भर करने की देर है कि मैं अपना ईगो थोड़ा साइड में रख के कि हाँ मेरे में विरोध आ रहा है, मैं इतना एक्सेप्ट कर लूँ, और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया वो थोड़ा सा चला गया। तो अभ्यास वन में मैं इतना ये पार्ट जो है मैं थोड़ा अच्छे से मेरे अंदर प्रोसेस हो पा रहा है अभी। और अभ्यास सेकंड, पहले मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो सिर्फ शरीर से कनेक्टेड है। अभ्यास सेकंड में मेरी उतनी रुचि नहीं बन रही थी स्टार्टिंग में, कि मैं और शरीर जो है उसके बीच में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ये मैं देख के क्या करूंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम तो संस्कारों की ज्यादा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है, संबंधों में दिक्कत ज्यादा है, तो ये इसको मतलब मैं कैसे क्या करूंगी। बट ये जो है वो भी संस्कार को ही अल्टीमेटली दिखाता है, ये मुझे बाद में समझ में आया कि जब मैं संवेदनाओं को धीरे 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 देखने लगती हूँ तो मैं और संवेदना अलग है, और वो संवेदनाएं जो है उसी के थ्रू मेरे अंदर संस्कार क्रिएट हो रहे हैं, है ना। आई डोंट नो इसमें मैं सही हूँ कि नहीं, शर्मिला दीदी बताए, आप बताइएगा। पर ये जो बाहर से जो मैं इंफॉर्मेशन लेती हूँ उसी को मैं संस्कार के रूप में क्रिएट कर लेती हूँ, और मेरे और संवेदना को लेने के बीच में भी मेरे संस्कार और मान्यता काम करती है। ये अभ्यास सेकंड की डेप्थ मुझे जब मैंने धीरे धीरे किया तब मुझे समझ में आई। इससे हेल्प मुझे ये मिली दीदी कि पहले से बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई है, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, तो कोई विद्या में अगर बोलता भी था कि इतना इतना ज्यादा केओस हो रहा है सबकी लाइफ में, है ना, देश में दुनिया में इतना केओस हो रहा है, अब हम दर्शन से जुड़ गए हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी का मतलब ऐसे समझ में आता था कि मुझे सबको पकड़ पकड़ के समझाना है ना। तो मैं अपने फ्रेंड्स को भी शून्य का कॉन्सेप्ट समझाने लग जाती थी कि हम डूबे भीगे गिरे हैं, है ना। तो जबकि खुद के समझने पे इतना ज्यादा फोकस नहीं, दूसरों को समझाने पे ज्यादा फोकस था पहले जब ये फॉर्मेट आया नहीं था। तो अब जिम्मेदारी का एग्जैक्ट मतलब समझ में आने लग गया है कि किसी और को समझाना तो एक्चुअल में वो तो है ही, मतलब करना ही है, आगे पीछे होगा ही वो, पर
खुद पे ध्यान देना है और क्या ध्यान देना है वो भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और बहुत ही केयरलेस नेचर था मेरा, अभी भी है कुछ चीजों को लेके। तो अब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेकर बढ़ी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है खुद को इतना जिम्मेदार देख के। और ये इस दर्शन की वजह से ही है कि मैं बहुत चीजों में खुद की जिम्मेदारी महसूस कर पाती हूँ, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर। पहले के जो मेरे डिसीजन होते थे, मुझे शादी नहीं करनी है, ये भी एक एक फ्रीडम, एक केयरलेसनेस को लेकर ही आता था। और मुझे बहुत ईगो अच्छा लगता था ऐसा बोलने में कि मैं अभी शादी वादी नहीं करूंगी, मुझे इन सब चीजों में नहीं जाना है। पर अब उसकी भी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक परिवार को देखना है ना, सबके बारे में सोचकर फिर निर्णय लेना, तो वो मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों की इतनी परवाह करती हूँ। पहले मैं, मेरे संबंध भी होते थे तो मैं बहुत केयरलेस होती थी, और खुद को इतना जिम्मेदार देखना देखना भी अच्छा लगता है। तो ये इसकी वजह से, मतलब ये चेंज मेरे अंदर आया है, खुद के लिए अवेयर हुई हूँ धीरे धीरे, और फिर वो अवेयरनेस बाहर भी शो हो रही है। और एक और चीज थी कि मैं बहुत जल्दी पहले परेशान हो जाती थी सिचुएशंस को लेकर। अभी धीरे धीरे वो चेंज आ रहा है कि मैं परेशान नहीं हो रही हूँ बाहर की जो सिचुएशन है उसमें। कम से कम इतना चेंज आया है कि पहले शॉर्ट टेम्पर्ड, पहले नहीं बोलूंगी अभी भी हूँ, बहुत कम सिचुएशन में अभी वो गुस्सा बाहर शो होता है, अंदर तो आता ही है एक्चुअली। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि अंदर भी उस टाइम पे वो रिजॉल्व हो रहा है या अंदर भी मैं उस टाइम पे ऑब्जर्व कर पाती हूँ, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। पर कम से कम वो जो अंदर प्रतिक्रिया होती है अभी वो बाहर शो नहीं हो रही है। इतना चेंज मेरे अंदर किसी किसी सिचुएशन में आया है, और किसी किसी सिचुएशन में तो वो बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि अभी भी ऐसा अंदर ऐसा बहुत ज्यादा दृढ़ मान्यता बनी है कि गुस्सा किए बिना ये सिचुएशन तो हैंडल हो ही नहीं सकती। और इसको मैं प्यार से हैंडल करने गई तो मेरे ऊपर ही फ्यूचर में चीजें बहुत भारी पड़ जाएगी, लोग मुझे हल्के में ले लेंगे और सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही, इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं तो एक काम चला लेगी। तो ये चीज मेरे अंदर आई है। हाँ, पर गुस्सा भी होता है, तो अभी मैंने ये चीज नोटिस की कि मैं बहुत रिस्पेक्टफुली लोगों पर गुस्सा करती हूँ, बहुत सम्मानजनक भाषा में बोलती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा गुस्सा ऐसे था कि मैं बता दूंगी तुम्हें मैं क्या हूँ, ईगो से आता था वो, अहंकार से ज्यादा आता था। अब अगर वो गुस्सा भी होता है तो वो रिएक्शन भी बहुत सम्मानजनक सम्मानजनक तो नहीं बोलूंगी, पर उसकी भी लैंग्वेज चेंज हुई है कि जो मेरी चीज है उसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ कि मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा। पहले रिवेंज से ज्यादा आता था कि मैं बदला लेने की भावना से गुस्सा कर रही हूँ। तो ऐसे चेंजेस आए हैं, और इतना अच्छे से मैंने जो खुद के साथ बैठना और ऑब्जर्व करने वाला जो प्रैक्टिस है उसको अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैंने उतना अच्छे से फॉलो किया है। तो मैं और चाहती हूँ, और थोड़ा अवेयर हूँ, और धीरे धीरे आगे आने वाले बैचेस में मैं कोशिश करूंगी कि उन बैचेस को मैं और अच्छे से रेगुलरली अटेंड कर पाऊँ और अच्छे से फॉलो करूँ। और इतनी प्रगति तो हुई है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत थी दर्शन के बारे में, पर उस इन्फॉर्मेशन का क्या करना क्या है, किसी को बोल के इम्प्रेस कर लिया या कभी कभी खुद ही को सुना के थोड़े टाइम के लिए आराम में आ गए, पर एग्जैक्टली होना क्या है वो नहीं, वो मतलब कुछ सॉलिड हाथ में नहीं था कि क्या करना है। आशा विचार इच्छा है, तो आशा क्या है, विचार क्या है, इच्छा क्या है, इसको कैसे देखें। अभी वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है जब खुद के अंदर देखते हैं। तो इतनी मेरी शेयरिंग थी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो रख सकते हैं वो। थैंक यू। जी बहुत ही बढ़िया अदिति जी, बहुत ही इनोसेंटली और बहुत ही प्यार से आपने अपनी शेयरिंग को रखा है। और किसी का भी कोई प्रश्न है अदिति जी की शेयरिंग के बारे में? आपकी फर्स्ट शेयरिंग है ये, या आप इससे पहले भी रख चुके? जी दीदी, मेरी पहली शेयरिंग थी। हाँ, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। हमारे साथ चंद्रशेखर भैया है।
नमस्ते दीदी, नमस्ते। अच्छा शेयरिंग है दीदी से। एक प्रश्न बन रहा है दीदी, शादी नहीं करने का और करने का जो चेंज आपने बताया यहाँ, आपका मानना तो यह है कि अगर शादी नहीं करे, नहीं कोई नहीं कर लेता, वो उनका जिम्मेदारी कम रहता है दीदी? थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, पहले मेरा ऐसा मानना था कि जब मैं विद्या में आई तो मेरा ऐसा मानना था कि अध्ययन में बाधा है शादी नहीं करना, शादी करना, सॉरी। हाँ, तो पहले मैं ऐसा सोचती थी कि मेरा अध्ययन रुक जाएगा, जीवन विद्या का, मध्यस्थ दर्शन का, UHV का, अगर मैं शादी करती हूँ तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। पर अभी मेरे को जितना धीरे धीरे मेरे अंदर रियलाइज हो रहा है कि ये तो एक और नई अपॉर्चुनिटी होगी प्रैक्टिस करने के लिए, अगर शादी करते हैं तो, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा पहले ऐसा लगता था कि एज अ गर्ल मुझे नई फैमिली में जाना होगा, उधर एडजस्ट करना होगा, तो बहुत सारे स्ट्रगल होगा वहां पे, वो तो होगा ही, अभी भी बहुत सारी चुनौतियां होगी, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी होगी, क्योंकि वो फैमिली एकदम नई है, तो जिन लोग के साथ मैं पहले से रह रही हूँ, मेरे एक इमेज मेरे पुराने संस्कारों को लेके उनकी बन चुकी है, तो उनके साथ जो है मतलब प्रैक्टिस करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा भी करती तो उनको 10 साल का जो पुराना बुरा इकट्ठा हुआ है वो ज्यादा दिखता है, तो नई फैमिली के साथ मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, तो उनके साथ थोड़ा इजी होगा दर्शन को या प्रैक्टिस को अप्लाई करना, ऐसा मतलब अभी मेरी समझ में बन रहा है। ठीक है दीदी, शुभकामनाएं आपको। ठीक जी, हमारे साथ प्रशांत भैया है। जी दीदी, नमस्ते सभी को। आदिति दीदी नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। जी। बहुत ही अच्छी शेयरिंग रही आपकी, पहली ही है, लेकिन आपके एक दो पॉइंट्स मुझे इतने अच्छे लगे कि मेरे संस्कारवश में फिर से पूछना पीछे पूछने लग गया हूँ। आपने ये बताया कि कहीं कि बिना डांटे काम चलता नहीं है, थोड़ा इस पे फोकस चाहूंगा। पहला क्वेश्चन तो चंद्रशेखर जी ने क्लियर कर दिया शादी वाला, अब आप ये दूसरे पे थोड़ा फोकस करिए प्लीज। हाँ, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है ना, क्योंकि पहले ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशन में मैंने दर्शन को अप्लाई करके, मतलब जो हम प्रैक्टिस करके आए होते हैं, वो पहले भी मैंने मॉर्निंग सेशन में शेयर किया था, बहुत सारे जी व्यक्ति या बहुत सारी जो ट्रिकी सिचुएशंस होती है ना, बहुत ट्रिकी सिचुएशंस है ना, कि जिसमें मतलब आगे वाला बहुत ही असम्मानजनक, मतलब असम्मान वो अपमानजनक सॉरी वो कर रहा है चीज है ना, तो वहां पे भी मैं दर्शन को अप्लाई करके उसको प्रेम पूर्वक हैंडल करने की, को प्रेम पूर्वक तो नहीं बोलूंगी, स्नेह पूर्वक या जैसे भी मेरी स्थिति थी, मैंने कोशिश की, और फर्स्ट टाइम में वो बहुत बुरा वाला फेल हुआ, और सेकंड टाइम पे भी वो फेल हुआ, तो अब कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये मान्यता बहुत स्ट्रांग हो गई है कि जो ट्रिकी सिचुएशंस है ना, वो उनको तो पहले की तरह हैंडल करना अभी मेरी मजबूरी है, अभी मेरी उतनी स्थिति नहीं है, तो गुस्सा करके ही अभी मुझसे हैंडल होगी, तो वहां पे मेरा टेम्पर हाई होता है और बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब अब मेरे आसपास के लोगों के लिए भी वो बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि मेरा बिहेवियर जी पहले से काफी स्नेह पूर्वक मैं चीजें हैंडल करती हूँ हर सिचुएशन, और जब एकदम से मैं वैसी चेंज होती हूँ ना, तो मेरे आसपास के लोगों के लिए भी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है कि ये एकदम से क्या हो गया, मतलब इसको जी ये, जी दीदी, मतलब हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो ये मेरी अभी मान्यता बनी है कि अभी जो नॉर्मली जो रोजमर्रा की सिचुएशन आ रही है उसको, उसमें मैं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्ट्रांग करूँ, फिर मैं ट्रिकी सिचुएशंस में जाऊँ, ऐसा मेरे अंदर अभी बना है कार्यक्रम, मतलब पता नहीं कितना सही है क्या है। जी, मतलब गुस्सा भी करना है लेकिन वो ट्रिकी करना है ना, दिखना नहीं चाहिए। थैंक यू, नमस्ते सभी को। आप आगे भी ऐसी बढ़ती रहे, शुक्रिया, धन्यवाद। जी, नमस्ते जी, थैंक यू अदिति भैया। जी, धन्यवाद, नमस्ते। तो अभी मैं शर्मिला दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी, दीदी अदिति जी की शेयरिंग के बारे में अपना फीडबैक रखें। जी नमस्ते आदित्य जी।
नमस्ते दीदी। अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। आप बीच बीच में भी प्रश्न पूछ रहे थे और शेयर कर रहे थे, तो अच्छा है, अच्छी शुरुआत है कि आप अपने अंदर देखने का काम कर रहे हैं और ये देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ दिख रहा है और आगे भी प्रयास करने की आवश्यकता है, हम सभी को है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें जो मुझे लगा कि आपने जो मेंशन की और जो कुछ आपके प्रश्न थे उनको भी मैं एड्रेस कर सकती हूँ अभी, तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो संवेदनाएं जिनको आप पढ़ते हैं उनके तहत नए संस्कार बनते हैं, ऐसा कुछ कहा था ना आपने, ऐसे ही कहा था? जी दीदी, मतलब ऐसा ऐसा मतलब मेरे को तो समझ में आया कि जो देख रही हूँ बाहर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी को लेके मैं अपनी मान्यता जोड़ जोड़ के नए संस्कार क्रिएट कर रही हूँ। सही बात है। तो एक्चुअली देखेंगे तो संस्कार वही है जो हमने कुछ मान लिया है ना, वैसा है या नहीं है अभी हमने देखा नहीं, लेकिन हमने कुछ मान लिया किसी के भी बारे में, चाहे दूसरी इकाई के बारे में, चाहे व्यवस्था के बारे में, है ना। तो धीरे धीरे वो दिखेगा कि इनफैक्ट दोनों तरफ से बात होती है, आप किसी संवेदना पर ध्यान देते हैं ये भी आपके संस्कार द्वारा ही है ना। आपको वहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिखा इसलिए आपका ध्यान उधर गया, तो आपने ये जो चॉइस करी ये भी संस्कारवश ही करी, और फिर इस संवेदना को आपने कैसे प्रोसेस किया अपने अंदर, है ना, उसको क्या अर्थ दिया, ये भी आपका जो संस्कार है उसके तहत आपने अर्थ दिया, है ना। और आपका भाव बिगड़ा या बना, रिएक्ट हुआ या रिस्पॉन्ड हुआ, जो भी है, अब इसको लेकर हमारा आगे का संस्कार भी बनेगा, है ना। या तो पुराना जो संस्कार था वो फिर पुष्ट हो जाएगा, या फिर पुराना संस्कार मिट कर नया संस्कार बन जाएगा। ये मैं जो कह रही हूँ वो क्लियर हो पा रहा है या मुश्किल? जी, एग्जाम्पल बिल्कुल तरफ। क्लियर हो पाता है। हाँ, तो हम पहले भी हमारे बहुत से संस्कार बने ही हुए हैं, उनके तहत हम गिनी चुनी संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं और उनको कुछ अर्थ देते हैं। और अब जो हुआ, जो भी संवेदना पर ध्यान दिया, जो भी अर्थ दिया, रिस्पॉन्ड रिएक्ट किया, उसके तहत जो भी सपोज दूसरे ने भी रिस्पॉन्ड या रिएक्ट किया, अब उसके तहत एक और मान्यता बन सकती है, या तो जो पुरानी मान्यता थी वो और पुष्ट हो जाएगी। सपोजिंग हमने मान लिया कि किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, वो आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और अगर फिर वैसा ही हुआ कि दूसरे ने रिएक्ट किया, जब हमने ये अर्थ देते हुए अंदर रिएक्ट किया और दूसरे के सामने उसको एक्सप्रेस किया, दूसरे ने भी वैसा ही किया, तो हो सकता है कि हमारी ये जो मान्यता थी वो और पुष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने निर्णय पूर्वक अपनी सहज स्वीकृति को देखा और जो भी हम अर्थ दे रहे थे उस अर्थ को हमने मूल्यांकित किया कि क्या ये मेरी सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है। तो जैसे ही वो दिखा कि ये लाइन में नहीं है, तो सहज स्वीकृत क्या है वो अर्थ देंगे, और उसी क्षण आराम में आ गए और दूसरे के साथ
अच्छे से पेश आए, रिस्पॉन्ड किया, तो हो सकता है अगर वहाँ ना दूसरी तरफ भी रिस्पॉन्स आया तो अब हमारी मान्यता बदल गई, है ना। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा कि दूसरे के रिस्पॉन्स के कारण ही ऐसा होता है, हर बार ऐसा जरूरी नहीं। हम अपनी सेहत स्वीकृति को जब जब रिफर करते हैं तो हम अपनी जो मान्यताएं हैं उनको मूल्यांकित करते हैं, और जो भी मूल्यांकन से हमें मालूम पड़ता है कि जो रखने लायक है उनको हम रख लेते हैं, जो रखने लायक नहीं है वो एक बहुत सहज ढंग से छूटती जाती हैं, उनको जबरदस्ती हटाना नहीं पड़ता। इसमें मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे हमने कहा कि हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो चीजें ठीक से होंगी नहीं, तो ये ठीक है कि हो सकता है कि जो कार्य करने का था वो हो गया, हमने गुस्सा किया, कार्य हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा संस्कार और पुष्ट हो रहा है गुस्से का। एक बार हमने गुस्सा किया, बाहर कार्य हो गया, दूसरे ने जो हमने कहा वो कर दिया, हमें लगा यही काम करता है। दूसरी बार भी हमने ऐसा किया और हमें लगा ये ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इस संस्कार को और पुष्ट करते जा रहे हैं हर बार। तो कार्य हो जा रहा है, लेकिन कार्य के पीछे जो भाव है उस पर ध्यान जाए। मेरा भाव क्या है, दूसरे का भाव क्या है, तो पता चलेगा कि हम अपने अंदर दुखी हैं, दूसरा भी अपने अंदर दुखी है। कहीं ना कहीं वो जो भाव है उसके कारण हम खुद भी दुखी हैं और दूसरे को भी दुखी कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है अभी, है ना, कार्य इम्पोर्टेंट ज्यादा है या अपना सुख दुख ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फिर आप कहेंगे कि दोनों इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है सही मायने में दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो हम अपने में आराम में आते हुए भी दूसरे के साथ बातचीत करके, दूसरे का ध्यान उस तरफ आकर्षित करके, है ना, जो भी हमने कार्य करना है उसके लिए हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे ताकि दूसरे की भी सहायता हो। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ ही देंगे कि हम आराम में आ गए, अब बस सब ठीक है, छोड़ दो कार्य, वो नहीं बात हो रही। ये बात हो रही है कि हम अपने अंदर भाव को सही रखते हुए दूसरे को कैसे सही करवा पाए उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो हम एक क्रिएटिव वे में दूसरे की सहायता कैसे करें उस पर ध्यान देंगे, और फिर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हम आराम में भी आए और कार्य भी बाहर हो जाए। तो यहाँ ये ऑप्शन भी आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर करें, वो मैं कहना चाह रही थी। इस पे अगर आपका कुछ प्रश्न हो तो जरूर रखें। दीदी मतलब अभी तो ठीक है, उसमें तो मुझे ही काम करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, पर अभी भी कुछ कुछ सिचुएशंस के लिए ऐसा निर्णय नहीं बन पाता है कि शायद मैं भाव को उस टाइम पे प्रायोरिटी, अभी तो ऐसा लग रहा है जब आप बोल रहे हो कि भाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्य उसी से ही होना है, भाव अगर सही रहेगा तो कार्य सही से एग्जीक्यूट होगा, पर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कुछ कुछ सिचुएशन में कि बात हाँ, करके उसको उसको। एक्सपेरिमेंट करके देखने की जरूरत है ना। जब तक हम खुद से करके नहीं देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इसमें तो हम दूसरा हमारे पे हावी हो जाएगा या जो भी है ना। बट जैसे जैसे हम इस कार्य को करके देखते हैं, जैसे जैसे हम अपने अंदर वो भाव को ठीक करके दूसरे के साथ, दूसरे के इंटरेक्शन में, व्यवहार में,
दूसरे के सामने पेश आते हैं और उस कार्य को ठीक करने की भी बात को रख पाते हैं, तो दिखेगा कि ये एक बहुत सहज ढंग से हो सकता है। तो उसको थोड़ा खुला रखें अभी, है ना, जब तक के उसके ऊपर आप प्रयास ना करके देख लें, है ना। जी, थैंक यू सो मच दीदी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। संवेदना को देखने वाला पार्ट जो आपने बताया, वो भी मैं डिसीजन लेके संवेदना को महत्वपूर्ण मान रही हूँ, वही वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक जी, यू थ्रू आउट द मतलब सेशन, आपने बहुत अच्छे से सारे मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे, और दीदी कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर जरूर, हम फोन पे भी बात हो सकती है कभी भी, है ना। बढ़िया, जी बहुत ही बढ़िया, आज दोनों ही शेयरिंग रही, कौशल भैया की और अदिति जी की भी। तो अभी लीक करने से पहले चैट बॉक्स में जो